और कैसे समझें अभिभावक कि ऐसे गेम से बच्चों को दूर रहना है। मोनाली जी, यहाँ पर सर मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि तकनीकी न सिर्फ आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन लाती है लेकिन कुछ बुरे परिवर्तन भी ला सकती है। और चूंकि जब यहाँ पर बातचीत आ रही है धर्मांतरण जैसी चीजों को लेकर तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि छोटे बच्चे तो उस चीज को समझते नहीं है कि वो किनसे क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी चीजें उन्हें सकारात्मक तौर पर लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो इस चीज की एक कंप्लीट जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। इसके अलावा जहां तक बात है गेमिंग की, तो गेम्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पर कोई कम्युनिकेशन का माध्यम प्रोवाइड किया जाता हो, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, वीडियो कॉल के माध्यम से हो, या टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से हो, ऐसे सभी गेमों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर गेम की लत में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और अक्सर से न सिर्फ भारत में बल्कि आप देखेंगे कि विश्व के कई देशों में पेरेंट्स परेशान है कि बच्चों को गेम की लत लग गई है, उनका पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट रहा है। जो बड़े एज के एल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से अपना ध्यान हटाकर गेम्स में लग रहे हैं। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है, मैं धर्म विशेष पर यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ तकनीकी के सदुपयोग की बात कह रही हूँ। और जहां तक यहाँ पर ये बात आ रही है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अब बच्चों को बलाया फुसलाया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि जिस एप्लीकेशन के माध्यम से ये सब हो रहा था, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, चाहे गेम के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो किन किन सर्वर से होकर गुजर रहा है, इसके अलावा किन किन डिवाइसेस में वो इंस्टॉल्ड था, कौन कौन से उसमें प्लेयर्स थे, और स्पेसिफिकली जब ये घटना हुई तब उस गेम में कौन कौन इन्वॉल्व था, बहुत ही गहन तकनीकी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर यदि हमारी कोई हेल्प लगेगी तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। और जांच होने के बाद इस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो आपसी भाईचारा है वो भी इससे बिगड़ता है।